अब तक मिल रहा है जैसा आपने बताया, लेकिन ये जो चार विधायक निलंबित किए गए हैं, कब तक निलंबित किए गए हैं और इस पर कोई अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई बयान? सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं जी, सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए राजेंद्र राठौड़ कुछ कह रहे हैं वो, ये ठीक है बिल्कुल। राजेंद्र राठौड़ ने कह दिया विधायकों को कपड़े मंगाने के लिए कि अपने अपने कपड़े मंगा तो रात को देंगे। संजय, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के विधायक रात में धरना देने की बात कह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता है प्रतिपक्ष के, उन्होंने अपने विधायकों को कह दिया है कि आप सभी अपने कपड़े और जरूरी सामान मंगा लीजिए जिससे रात को यहीं धरना दिया जाए। अब बिल्कुल सही आपने कहा शशि, ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। बात बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेता उप प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि आप लोग अपने कपड़े मंगा लीजिए, जरूरी सामान मंगा लीजिए। यह संकेत साफ तौर पर यह है कि अब विधानसभा के फ्लोर पर ही यानी सदन के भीतर ही धरने पर बैठे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। रात भर इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है, धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें भी वहां से आ रही है, देख सकते हैं आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आ रही है शशि मोहन शर्मा की तरफ से, जो तस्वीरें भेजी गई है इस वक्त आपके सामने, और सदन के भीतर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने देख सकते हैं आप। गुलाबचंद कटारिया बैठे दिखाई दे रहे हैं, तमाम दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे दिखाई दे रहे हैं, और सबकी तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है कि ऐसा अब रात भर रुकने की तैयारी कर ली गई है, रात भर यही सदन में बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। अभी और कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त शशि? नहीं संजय, अपडेट की बात कहें तो इससे ज्यादा अभी अपडेट नहीं है। सबसे बड़ी घटना यही है कि सदन में रात भर धरना दिया जाएगा बीजेपी के विधायकों की तरफ से। ठीक है, आप वहां पर लगातार अपडेट लेते रहिए, हम दोबारा आएंगे आपके पास। लेकिन साफ तौर पर यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, मामला अब और भी बढ़ता जा रहा है। चार विधायकों के निलंबन के बाद स्थिति और कहा जाए सदन के भीतर गंभीर होती जा रही है, और आपने इसके पहले देखा था वो तस्वीरें जहां पर धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई थी, और उसके बाद कुछ देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर किया गया था। जब दोबारा शुरू हुई तो उसी तरीके से हंगामा हुआ और चार विधायकों के निलंबन को स्वीकृत कर लिया गया। उसके बाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब यहीं पर धरना दिया जा रहा है। कार्रवाई जो है कल सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी, 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन बीजेपी के विधायक फिलहाल सदन के पटल पर ही अब धरने की तैयारी पूरी तरीके से करते दिखाई दे रहे हैं। आप सुन सकते हैं, कुछ देर पहले आपने देखा कि शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि जितने विधायक हैं वो अपने कपड़े मंगवा लें, जरूरी सामान मंगवा लें। यानी साफ तौर पर यह संकेत था कि सदन के पटल पर ही ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें भी हैं, और कल कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, लेकिन उसके पहले ऐसा लग रहा है कि अब रात भर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे रहेंगे धरने पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सदन के भीतर के इस वक्त आ रही हैं। रीट मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अड़ गई, और इस पूरे मामले पर अब सरकार से सीबीआई जांच की संस्तुति करवाने की मांग कर रही। लेकिन इसको लेकर आपने देखा कुछ देर पहले खबर आई कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेपर छीन लिया था, और यह मामला इतना बढ़ गया कि उसके बाद बीजेपी के चार विधायकों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है बचे हुए सत्र के लिए। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से सदन में ही यानी विधानसभा में ही धरना देने की तैयारी कर ली गई है। तमाम बड़े नेता और देख सकते हैं सभी विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि जो नारेबाजी की जा रही है तमाम विधायकों में जोश भरने के लिए, ताकि वो इस जो है कि लड़ाई को और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए बढ़ते आगे, शुरू करते हैं एक बार फिर से सिटी की खबरें। सीकर के उद्योग नगर थाना